हेलो गाइस, माय नेम इज़ गोपाल जी एंड वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम आपसे बात करेंगे सौर विकिरण का किस प्रकार से वायुमंडल में उसका अवक्षय यानी कि उसकी मात्रा में कैसे ह्रास होता है, जिसमें आपसे बात करेंगे स्कैटरिंग की अर्थात प्रकीर्णन की, डिफ्यूजन अर्थात विसरण की, अब्सॉर्प्शन अर्थात अवशोषण की, और इसके साथ साथ बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। आपसे इस वीडियो में बात करेंगे। टाइम ना वेट करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। आप जानते हैं एटमॉस्फेयर में कई सारी लेयर्स पाई जाती हैं, जिनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। उसमें हमने आपको विस्तृत रूप से इसकी बात की थी, ठीक है। जो इंसुलेशन है पृथ्वी पर आता है, अर्थात जो सोलर रेडिएशन जब वो पृथ्वी पर आता है तो उसको इन सभी एटमॉस्फेरिक लेयर से गुजरना पड़ता है, जितनी भी हमने आपको पढ़ाई थी, अर्थ सरफेस तक इनको आना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में सोलर रेडिएशन अर्थात इंसोलेशन का कुछ भाग क्षय होता जाता है, और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर में फैले बहुत सारे एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स जैसे डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, गैसेस आदि के साथ 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 इनका इंटरेक्शन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप सोलर रेडिएशन की ऊर्जा की मात्रा में कमी आती रहती है, उनका क्षय होता रहता है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे जब सोलर रेडिएशन एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो किस प्रकार वो इन सभी एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्शन करके किस तरीके से एटमॉस्फेयर में सोलर रेडिएशन का अवक्षय कैसे करता है, कैसे उसको डिक्रीज करता है, उसकी बात करेंगे। और वो जिन जिन प्रक्रियाओं से प्रभावित होता है, आइए उनकी बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं स्कैटरिंग अर्थात प्रकीर्णन की। आपको हम पहले बता चुके हैं कि एटमॉस्फेयर में कई सारे मॉलिक्यूल्स अर्थात वाटर वेपर, जल वाष्प, डस्ट पार्टिकल्स यानी कि धूल कण वायु में तैरते रहते हैं। जब सोलर रेडिएशन अर्थात इंसोलेशन सूर्य तप इन कणों पर पड़ता है तो ये कण से उनका इंटरेक्शन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप और जिनके फलस्वरूप कण में क्या होता रहता है, कंपन उत्पन्न होता है। तो बेसिकली जब इन डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, मॉलिक्यूल्स का व्यास सोलर रेडिएशन के रूप में आ रही वेवलेंथ से छोटा होता है तो क्या होता है, ये कण उसको पुनः एटमॉस्फेयर की ओर स्कैटर कर देते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ठीक है। वो कई भागों से एटमॉस्फेयर की ओर जाता रहता है, कई भागों में। इस प्रक्रिया को स्कैटरिंग अर्थात प्रकीर्णन कहते हैं। बेसिकली आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जो कम वेवलेंथ वाली तरंग दैर्ध्य हैं वो स्कैटरिंग अर्थात उनका प्रकीर्णन होता है, जिनमें ब्लू बैगनी रंग वाली वेवलेंथ होती हैं, ठीक। और जो ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ होती है सोलर रेडिएशन की, वो उस कण को पार करके आगे निकल जाती है। अर्थात लाल रंग वाली जो वेवलेंथ होती है, जिनकी वेवलेंथ ब्लू बैगनी वेवलेंथ से ज़्यादा होती है, वो पृथ्वी के अति निकट तक चली जाती हैं, अर्थात उनको नीली व बैंगनी वेवलेंथ से ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। इस प्रकार शाम के समय आप देखते होंगे जब सूर्यास्त होता है तो आकाश लाल रंग का दिखाई देता है। चलिए अब बात करते हैं डिफ्यूजन की अर्थात विसरण की। आपको बता दें कि जो इंसिडेंस यानी आपतित रेज हैं, जो जो पृथ्वी से धरातल की ओर आती है, अर्थात जो इंसोलेशन है जो पृथ्वी की ओर आता है, उसकी वेवलेंथ जब एटमॉस्फेयर पे प्रवेश करती है, वहाँ पे जो उपस्थित डस्ट पार्टिकल में ऐसे इंटरेक्शन करती है अर्थात उनके अणुओं से इंटरेक्शन करती है, और उनका जो वेवलेंथ का व्यास है वो उन अणुओं से कम होता है, और अणुओं को जो व्यास होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो प्रकाश का क्या करती हैं, पूरा एटमॉस्फेयर की ओर फेंकती हैं, ठीक है ना।
तो इस प्रक्रिया में वो प्रकाश एटमॉस्फेयर में नहीं आ पाता है, वो एटमॉस्फेयर में तो आता है लेकिन अर्थ सरफेस के पास नहीं आ पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय आप देखते होंगे कि आकाश में इतना प्रकाश रहता है कि हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अब्जॉर्प्शन की, अर्थात अवशोषण की। बेसिकली आपको बताते हैं कि अब्जॉर्प्शन के लिए एटमॉस्फेरिक गैसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, क्योंकि वो सोलर रेडिएशन के लघु वेवलेंथ के लिए पारदर्शक होती हैं। ठीक है, आपको बता दें कि केवल ऑक्सीजन, ओजोन एवं CO2 गैसेज ही सोलर रेडिएशन अर्थात इंसुलेशन को, उसकी कुछ मात्रा को अपने में क्या करती हैं, अवजौर करती हैं। इसके साथ साथ वाटर वेपर एवं डस्ट पार्टिकल्स में भी कुछ अंश मात्रा में उसका सोलर रे जो रेडिएशन है, जो इंसुलेशन है, उसका अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर में अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर बात करें तो जो वो वहाँ पे जो O2 है, जो ऑक्सीजन है, वो लघु तरंगों का क्या करती है, अवशोषण करती है, जिनकी जो वेव लेंथ होती है 0.026 माइक्रोन से कम होती है, उन्हीं का वो अब्जॉर्प्शन करती है। ठीक, साथ ही साथ समताप मंडल जो है उसके ऊपर जो ओजोन मंडल पाया जाता है, वो लघु तरंगे जो इंसुलेशन आता है लघु तरंगों के रूप में, उसकी मात्रा को अपने में क्या करता है, अवशोषित करता है। आपको बता दें कि जो CO2 गैस है वो भी इंसुलेशन की कुछ मात्रा अपने में क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है, जिनकी वेव लेंथ 15 माइक्रोन से या फिर उसके आसपास होती है, उसको ही CO2 गैस, उसी सोलर रेडिएशन को CO2 गैस अपने में अब्जॉर्ब करती है। ठीक है, आपको बता दें कि जो कोई वस्तु है वो अपने हीट को अब्जॉर्ब करके उसकी जो मात्रा है उसको विघटित करती है। ठीक है, साथ ही साथ जो आदत्ता है वो हीट को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा महत्व देती है। इसी पूरे प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। जब सोलर रेडिएशन अर्थ सरफेस तक पहुंचता है, जब वो अर्थ सरफेस तक आता है तो वो क्षय होने के बाद जो उसका जो कुछ भाग अर्थ सरफेस से परावर्तित होता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अर्थ सरफेस के चिकनेपन पर भी परावर्तन निर्भर रहता है। ठीक है, जितना ज्यादा अर्थ सरफेस चिकना होगा उतना ही ज्यादा परावर्तन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ क्लाइमेटोलॉजिस्ट की, जिन्होंने एटमॉस्फेयर में सोलर रेडिएशन के क्षय पर अपने अपने शोध कार्य किए हैं। पहले बात करते हैं हावर्ड जे रिचफील्ड की। तो इन्होंने अपने शोध कार्यों में ये बताया है कि एटमॉस्फेयर की जो आउटर लेयर है उस पर प्राप्त होने वाले सोलर रेडिएशन का लगभग 32% क्या होता है, अंतरिक्ष की ओर, मतलब क्लाउड से रिफ्लेक्शन होके अंतरिक्ष की ओर प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, एवं कुछ डस्ट पार्टिकल्स द्वारा उसका स्कैटर्ड भी होता है, जो बेसिकली वो अंतरिक्ष की ओर चला जाता है। बेसिकली वो इन सब बातों से ये चीज बताने की कोशिश किए हैं कि जो इंसुलेशन का 2% भाग अर्थ सरफेस से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में चला जाता है, यानी कि इस प्रकार उन्होंने बताया कि टोटल 34% सोलर रेडिएशन अर्थ सरफेस को गर्म करने के काम नहीं आता है, वो डायरेक्ट अंतरिक्ष में चला जाता है। इसी प्रकार ट्रेवार्ता ने भी बताया कि संपूर्ण इंसुलेशन का 34% भाग
लघु तरंगों के रूप में अंतरिक्ष में चला जाता है, यानी कि जिसका 2% अर्थ सरफेस द्वारा, 7% एटमॉस्फियर द्वारा और 27% क्लाउड से डायरेक्ट परावर्तित होकर अंतरिक्ष में चला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अल्बिडो क्या होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इजी नोट्स। थैंक यू सो मच।